अब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, फाइनल और रिजल्ट पूरा लेते हैं, पूरा इंटायर जर्नी कवर करते हैं उसमें, मतलब जिसका डिस्कशन हो रहा है, जितना दूरी का डिस्कशन हो रहा है उस दूरी को हमको पूरा कवर करना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बताना होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, जैसे पांच टाइम इक्वल टू 5 सेकंड पे तीन वो कर्व है, तीन आदमी है, महेश रमेश सुरेश जो भी है, तीन आदमी अपना अपना जर्नी का कर्व बनाया है, तो टाइम इक्वल टू 5 सेकंड पे जो यहां पे बनाया गया था इस समय का जो वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है ना, एवरेज में हमको दो डाटा चाहिए था, फाइनल माइनस इनिशियल, पोजीशन का भी और डिस्टेंस ये टाइम का भी, इसमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चलता है। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह से ये पॉइंट बताया 2 और 4, इस पॉइंट पे जो है वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करना है ना। तो एक कोई इक्वेशन दे दिया y = -3x² + 2lx - 8, उसका ग्राफ प्लॉट कर दिया है ना, उसके बाद पूछा कि मतलब टाइम इक्वल टू 4 पे कितना है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बना के दिखाएगा, पूछेगा। ठीक है, नहीं तो इस तरह के ग्राफ बहुत सारा दिया हुआ है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछेगा एग्जाम में, है ना। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम आपको बताया था कि डेल एक्स बाय डेल टी तो एवरेज वेलोसिटी होता है, अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 है तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। टेंस टू 0 मतलब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्यों, क्योंकि वहां पे डेल्टा होना ही नहीं, चेंज इन टाइम नहीं होना, सिक्स फिक्स टाइम पे बात हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह से ग्राफ में आपको बताया कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है सब कुछ, मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वहां पे, मतलब कोई ग्राफ दिया है, ग्राफ से निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसके पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप टेंजेंट मान लो, जैसे मान लो इसका हमको नहीं पता, तो हम ये लाल कलर का क्या किए, टेंजेंट बना दिए, इसका जो स्लोप आएगा वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा, समझ गए। नेक्स्ट अब जैसे ये ग्राफ बनाया हुआ है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमसे पूछ रहा है कि बताइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसको एक टेंजेंट बनाएंगे और ये टेंजेंट का स्लोप निकाल देंगे, स्लोप जो निकालेंगे वही आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। अब जैसे ये टेंजेंट बना दिया, अब टेंजेंट का स्लोप निकालना था हमको, तो यहां देखिए हमको पता है कि ये कितना है, 1 से 2 है ये, तो ये जो स्लोप है इधर 1 है और इधर कितना है 0 से 1 है, तो स्लोप कितना होता है, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, अगर ये आप टैन थीटा है तो ये हाइट बटा ये नीचे वाला, यही होता है ना, तो ये हाइट आपका जो है ऊपर से कितना था 1 और नीचे से आ था 1.5 और ये 1 ही है, 1.5 था का 1 है, तो डायरेक्ट निकल गया था, खाली ग्राफ देख के आप इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दीजिए। तो हमेशा याद रखना है y एक्सिस वाला डिस्टेंस और x एक्सिस वाला डिस्टेंस का रेशियो जो होगा स्लोप बताएगा, और जिस पॉइंट पे पूछा है उस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाइए, स्लोप निकाल दीजिए। ठीक है, आए कैलकुलस पढ़िएगा क्लास 11 में, तो dx/dt से भी जो निकलता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलता है, कैलकुलस पढ़ना है आपको मैथ्स में, थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी पढ़ना है, समझने के लिए पढ़ाएंगे आगे, तो बेसिक आप कैलकुलस पढ़ लीजिए, पहले बेसिक जो होता है जानकारी जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए जो कोई भी कांस्टेंट का जो कैलकुलस होता है वो 0 होता है, अगर कांस्टेंट के साथ कुछ फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन है तो कांस्टेंट वालों को बाहर कर दीजिए, खाली इसका डिफरेंशिएशन जो होगा f(x) बोलते हैं, अगर फंक्शन जो है एक्स की पावर एन है तो एन आगे कर लेना है एक्स की पावर एन माइनस 1 कर देना है, मतलब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है आपको, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x², क्योंकि एक पावर काम करना है, अब दो दो फंक्शन का जोड़ है तो बारी बारी से अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन को f(x) यूज करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पावर हो गया, सम हो गया, डिफरेंस में भी अलग अलग लिख लें माइनस में, अच्छा प्रोडक्ट है तो दो चीज दो अलग अलग वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले क्या करेंगे, पहला वाला को लिखेंगे
दूसरा वाला को करेंगे, दूसरा वाला को देखेंगे, पहला वाला को करेंगे, मतलब फंक्शन को एज इज जिसको छोड़ रहे हैं उसके अलावा जिसका करेंगे उसको डैश लिखते हैं, फिर जिसको छोड़ रहे हैं उसके अलावा वाला, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन की आप डिटेल में अच्छे से समझाएंगे, अभी खाली इतना बेसिक आपको जरूरत है जो आप याद रखना। अगर दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन का रेशियो है, डिवाइड है, तो पहले वाले नीचे वाले को पहले करेंगे, ऊपर वाले का नीचे वाले को एज इज छोड़ देंगे v को, और ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस, ऊपर वाले को एज इज छोड़ देंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे डिवाइडेड बाय नीचे वाले का जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर चेन रूल है, मतलब नीचे में डिफरेंशिएशन में x नहीं है, टाइम टाइम है, हमको टाइम को कन्वर्ट करके x लाना है, तो फंक्शन को क्यों g ऑफ x में कन्वर्ट करना है, जनरल रूल में क्या करना है, जिस जो भी यहां पे है, ठीक है, उसका तो एवरेज होगा, साथ में इसका वाले का भी डिफरेंशिएशन होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल आपको देते हैं, समझ में आएगा, देखिए, ठीक है, समझ गए। तो हम तो फॉर्मूला खाली x टू दी पावर 5 का पढ़े हैं, आप पढ़े होंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n जो होता है वो होता है n x की पावर n माइनस 1, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ 5x है, जब यहाँ 5x है तो हमको अपने मन से नीचे में क्या करना पड़ेगा, 5x लिखना पड़ेगा, ऊपर भी 5x लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने मन से हम 5x किया, 5x का पावर 5 का है, तो अपने मन से हम किया, ये चीज मिटा भी दिए तो फॉर्मूला तो क्वेश्चन में यही है, तो अपने मन से हम बेस को सेम रखने के लिए किए, तो ये वाला फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, एन x की जगह पे यहाँ 5x है, पावर में n माइनस 1, तो यहाँ पावर n क्या है 5, ये 5 माइनस 1 इनटू 5x का डिफरेंशिएशन, अब कांस्टेंट के साथ गुणा है, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x डिफरेंशिएशन बाय dx है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 इनटू 5x की पावर 4 और इनटू 5 और dx dx तो 1 हो गया है, तो टोटल कितना हो गया 5 × 5 = 25 और 5x की पावर 4, कहने का मतलब अब ये चीज हम आपको समझा के लाए, इसमें डायरेक्ट बता रहा है, क्या बोल रहा है कि जब भी फंक्शन ऑफ gx होगा f'gx कर दीजिए और g'x कर दीजिए, तो सीधे आप 5x का जो है डिफरेंशिएशन करिए, 5x का डिफरेंशिएशन आपको पता था कि 5 होगा और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए डायरेक्ट, तो इसका आपको पता था कि 25x 5 × 5x की पावर 4 हो जाएगा, तो 5 × 5x की पावर 4 और 5 दोनों मल्टीप्लाई कर दिए आंसर आ गया, तो मतलब डायरेक्ट x के बदले जो है फंक्शन जो है कुछ अंदर में कुछ और है, तो उसको इसको और डिटेल में पढ़िएगा, बहुत डिटेल में पढ़ना है इसको, इससे आप छुटकारा आप नहीं मिल पाएगा, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए कांस्टेंट का जो आप पढ़े 0 होता है, पावर n का पढ़ लिए, प्रोडक्ट का पढ़ लिए, डिवाइड का पढ़ लिए और चेन रूल पढ़ लिए, इतना बेसिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी याद रखना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का स्क्वायर होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स। अब हमको कंफ्यूजन होगा कि माइनस कब देना है, जब भी को लगा है तो माइनस होगा उसका डिफरेंशिएशन, यहाँ देखिए को टेंजेंट माइनस में आएगा, को से माइनस में आएगा, को साइन माइनस में आएगा, तो को वाला का डिफरेंशिएशन जो है माइनस में होता है, अब साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये तो ये सिंपल है याद रखना, को वर्ड लगा है को वाला का माइनस है, को नहीं है तो माइनस नहीं होगा प्लस होगा। अब तीन याद कर लीजिए, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक का कॉसेक एक्स कॉट एक्स, याद रखना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट, फिजिक्स में बस इतना ही याद रखना, मैथ में कैसे आया क्या आया सब पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पार्टिकल है, इसे इक्वेशन इज इक्वल टू टी इज पर है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, मतलब क्या हुआ ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर टाइम में पूछ रहा है, डेल्टा टी नहीं है यहां, तो यहां 2 पुट कीजिए क्या हो जाएगा 4 आंसर। अगला क्वेश्चन, पार्टिकल जो है x इक्वल टू टी स्क्वायर है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब टाइम 0 डालेंगे देन 0 आ रहा है क्या, आ रहा है मतलब रेस्ट है, पार्टिकल वेलोसिटी 1 होगा टाइम इक्वल टू 1 पे, 1 डालने पे 1 आ रहा है, 1 x आ रहा है,
फिर दोनों का रेशियो भी लेना है, 1/1 1 ही आएगा तो चलेगा। पार्टिकल हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी हो रहा है नहीं, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे वेलोसिटी चेंज होते जा रहा है, वेलोसिटी है, पार्टिकल रिवर्सेज एट t इक्वल टू 2 सेकंड हो रहा है, 2 सेकंड के बाद पार्टिकल चेंज करेगा नहीं करेगा, तो स्क्वायर है बढ़ते ही जाएगा, तो ये गलत है, बी गलत है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, बोलो कैसे कैसे कांस्टेंट वेलोसिटी पूछ रहा है, पोजीशन दिया ना आपको, तो पोजीशन का वैल्यू क्या आया कांस्टेंट, कभी भी डालो, टाइम इक्वल टू 1 डालोगे तो क्या आएगा 1, टाइम इक्वल टू 2 डालोगे तो क्या आएगा 4, 3 डालोगे तो क्या आएगा 9, कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट टर्म आ रहा साथ में x नहीं आ रहा, तो जब कांस्टेंट पोजीशन आ रहा है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट आएगा, चेंज नहीं करेगा, तो लास्ट वाला गलत है, क्या है इसमें पूछा, सही कौन है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, हाँ पहला सही कौन है पूछा था, ठीक है बाकी सब गलत है, वहां पे तो जीरो हो रहा था। अगला क्वेश्चन दिया है पार्टिकल का h = 3t, पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 3, नहीं इनिशियल वेलोसिटी 3 कैसे होगा, क्योंकि आप जीरो पे तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज पे हमेशा बराबर होता है इंस्टेंटेनियस का, गलत बात कभी नहीं होता है, पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3, हां ये सही है, बोलो कैसे 3 के स्पीड से जा रहा है, हां इनिशियल वेलोसिटी उसका 3 है, नहीं इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि टाइम 0 पे 0 है, ऑल ऑफ द अबव क्या पूछा था इसमें, सही कौन है, हां गलत है पूछा है हमको लग रहा है, सब गलत है इसमें, ऑल ऑफ द अबव गलत है, क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है सही से, पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू द पोजीशन इक्वेशन दिया हुआ है, पार्टिकल विल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, टाइम 0 पे 0 आ रहा, हां सही है रेस्ट, पार्टिकल विल कम टू रेस्ट एट t इक्वल टू 1 सेकंड, नहीं 1 डालेंगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा ना, नहीं रेस्ट नहीं है, बी गलत है, कम टू रेस्ट इक्वल टू 2, 2 डालेंगे तो हां ये सही है, पार्टिकल विल नेवर कम टू रेस्ट, नहीं नहीं तो ए और सी सही है, गलत था क्या, गलत पूछा है, ठीक ठीक क्वेश्चन अच्छा बनाया है लेकिन क्लैरिटी नहीं दिया क्वेश्चन में, द पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्सिस, फंक्शन गिव द पार्टिकल पोजीशन, ये फंक्शन है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन एट टी इक्वल टू 1, अच्छा हमेशा ध्यान रखिए हम लोग जो है पोजीशन से डायरेक्ट बता दे रहे हैं, वेलोसिटी निकालने के लिए उसको टाइम से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इसलिए बाकी चीज क्वेश्चन में हम लोग आगे पीछे ऐसे ही बोल दिए, गलत बनाया है सही बनाया है, हम लोग तो एक्स पे नहीं बनाना है, एक बार चेक कर लीजिए सटासट, हम जल्दी से बोलते हैं सबका, एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है आपका टी टू दावर 4 माइनस 2t² माइनस 4, तो वेलोसिटी निकालना है आपको टी इक्वल टू 1 पे, यही पूछा ना, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन dt, बढ़ेगा ना, सबको हम टाइम से डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ टी के पावर 4 dt, प्लस माइनस में तो अलग अलग कर सकते हैं, टू को कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 4 बाई डी टी है ना, इसका डिफरेंशिएशन पहले कीजिएगा तो वेलोसिटी आएगा, तो टी के पावर 4 क्या होता है 4 और टी के पावर 1 कम जाएगा, 4 एक्स के पावर 1 था ना, 4 एक्स टी क्यूब माइनस 2 ये हो जाएगा 2 इंटू टी के पावर 1 माइनस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो कितना आ गया 4 टी क्यूब माइनस 4 टी, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आपको निकालना पड़ेगा, तो सब में वेलोसिटी जो था ना क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चन में भी डिफरेंशिएशन निकालना है आपको, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मतलब टाइम इक्वल टू 0 पुट करना है डिफरेंशिएशन के बाद, तो डिफरेंशिएशन बताइए कितना होगा डायरेक्ट बताइए 16t प्लस 3, वेलोसिटी क्या दिया है वेलोसिटी दिया है 8t² और ये पोजीशन दिया है 8t² प्लस 3
3t माइनस 5 ये s है, तो हमको ds पाई dt करना है तभी आके वेलोसिटी मिलेगा, है ना। तो ये हो जाएगा एक कांस्टेंट है बाहर कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर बाय dt, है ना, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर कर दो, dt बाय dt कांस्टेंट कर दो, जीरो होता है ना, कर दो तो 8t स्क्वायर t की पावर n हो जाएगा 2 t की पावर 1 और प्लस 3 dt बाय dt तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा कितना 16t प्लस 3। अब टाइम इक्वल टू 0 पुट करना है क्योंकि रेस्ट पूछा है, इनिशियल पूछा है, तो टाइम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 3 बचेगा, तो 3 आंसर हो जाएगा इसमें 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, समझ गए। तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन करके खाली डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट सब में वही करना है, वेलोसिटी आपको समझ में आ गया होगा, डिफरेंशिएशन आपको याद करना पड़ेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।